हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 18 जुलाई 2019 है और आज के वीडियो की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर से और हमारी एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यहाँ से आपको डेली करंट अफेयर, फ्री टेस्ट, एनसीईआरटी बुक्स, वीडियोज़ और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आज ही डाउनलोड करें और प्ले स्टोर पर रेटिंग देना मत भूलिए। और थॉट ऑफ द डे में आज आपके लिए बहुत प्यारी सी में पिक्चर लेके आया था। मैंने आपसे कल बोला था कि सब एलन मस्क का जो ट्विटर हैंडल है उसको जाकर चेक कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने चेक किया होगा, लेकिन जिन्होंने चेक नहीं किया है उनके लिए मैं ये लेकर आपके सामने आया हूँ। इस ट्विटर हैंडल को देख लीजिए। ये होता है सपना जिसके बारे में कभी APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि छोटे सपने देखना अपने आप में अपराध है। यहाँ पर आपको चार तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये पृथ्वी है। जी नहीं दोस्तों, ये पहली तस्वीर मंगल की है और दूसरे चरण में इसी मंगल को थोड़ा सा यहाँ पर रहने योग्य बना लिया गया है। ये तीसरी तस्वीर भी है तीसरे चरण की मंगल की और चौथी तस्वीर यहाँ पर है। अब यहाँ पर आप इस तस्वीर में देख पा रहे हो कि एलन मस्क ने अपना जो DP लगाया हुआ है उसमें वो मंगल पर बैठे हुए हैं, कुछ गर्म पेय पदार्थ यानी कॉफ़ी जैसी कोई चीज़ पी रहे हैं और अपनी कार पर बैठे हुए हैं। मतलब इन्होंने मंगल को रहने लायक बना दिया है और इसे कहते हैं सपना देखना, लार्जर देन लाइफ सपना देखना कि मंगल ग्रह पर रहने लायक बना देना। तो मैं आप लोगों से भी उम्मीद करूंगा कि अपने सपनों को ना केवल देखें, उनको जीने की कोशिश करें। राइट, अपने सपनों को जीने की कोशिश करें। जैसे कि ये इनका एक बहुत फेमस कथन है एलन मस्क का, इनका कहना है कि मैं मंगल पर मरना चाहता हूँ। इसका मतलब है मंगल को वो रहने लायक बना देना चाहते हैं और अंतिम सांस से अपना पूरा जीवन खत्म वहां करना चाहते हैं। राइट, तो एलन मस्क, आप लोगों को इनके बारे में इंटरनेट पर जरूर पढ़िएगा। इनके बारे में पढ़ना बहुत ही ज्यादा आपको मोटिवेट करेगा और नहीं देखा तो याची जाके देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। उससे पहले कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न कि हिमालयी राज्यों के प्रथम सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा, तो इसका जो आयोजन किया जाएगा उत्तराखंड में किया जाएगा। दूसरा प्रश्न है छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त की गई है अनुसुईया उइके जो कि मध्य प्रदेश की है। तीसरा प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल बनाए गए हैं विश्वभूषण हरिचंदन। चौथा प्रश्न है कि रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में सार्वजनिक उपक्रम के साथ ही निजी कंपनियों को भी कौन सा पुरस्कार प्रदान करने को मंजूरी दी गई है, तो अब निजी कंपनियों को भी रक्षा मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पांचवा प्रश्न है कि वर्ष 2018-19 के दौरान फसलों की कितनी नई किस्मों का विकास किया गया है, तो इसके तहत 223 नई फसलों का विकास किया गया है। छठवां प्रश्न है कि वर्ष 2018 के लिए निम्न में से किसे संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप प्रदान किया गया है, ये प्रदान किया गया है जाकिर हुसैन को। वहीं सातवां प्रश्न है कि वर्ष 2018 के लिए कितने कलाकारों को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार, ऊपर देखिएगा फेलोशिप की बात की थी, चार लोगों को प्रदान किया गया, उसमें जाकिर हुसैन एक हैं। और बात करें अगर हम एकेडमी पुरस्कार को, तो ये पुरस्कार 44 लोगों को प्रदान किया गया। आठवां प्रश्न है कि वर्ष 2018 के लिए कितने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार प्रदान किया गया, तो 40 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को दिया जाता है और 32 युवाओं को ये पुरस्कार इस वर्ष दिया गया। नवा प्रश्न है कि निवेशकों और कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के साथ ही और किस देश ने फास्ट ट्रैक प्रणाली स्थापित की है, तो ये फास्ट ट्रैक प्रणाली भारत के साथ इटली ने स्थापित की है। और दसवां प्रश्न है कि ब्लू फ्लेग प्रमाणीकरण के लिए भारत में कितने समुद्र तटों का चयन किया गया है, तो भारत के इसके तहत जो 12 समुद्र तटों का चयन किया गया है। तो ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्न। बात करेंगे आज के करंट अफेयर के प्रश्नों की। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि औषधि एवं 3D बायो प्रिंटिंग के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए किन दो देशों के बीच अंतर संस्थागत समझौता हुआ है, यानी इन किन दो देशों की संस्थाओं के बीच में समझौता हुआ है, और ये समझौता हुआ है भारत और अमेरिका की संस्थाओं के बीच में, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब इसकी डिटेल लिख लीजिए कि किन किन के बीच में समझौता हुआ, किन किन संस्थाओं के बीच में। तो भारत का है श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर स्थित है, और अमेरिका का संस्थान है उत्तरी कैरोलिना स्थित टेक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस, इसके बीच में। तो वेक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस और श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम, इन दो संस्थानों के बीच में ये समझौता हुआ है। और उद्देश्य क्या है कि औषधि और 3D बायो प्रिंटिंग जो होती है उसके क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान और जो प्रौद्योगिकी का विकास है, टेक्नोलॉजी का विकास है, उसको बढ़ावा देना। बात करें परीक्षा दृष्टि में अमेरिका के राष्ट्रपति की, तो डोनाल्ड ट्रंप है। यहाँ की राजधानी वॉशिंगटन DC है और यहाँ पर राज्यों की संख्या 50 है, याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर 50 राज्य हैं, 50 प्रदेश हैं।
मुद्रा है अमेरिकी डॉलर, लगभग 68-69 रुपीज का एक अमेरिकी डॉलर वर्तमान में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है दूसरा कि दिवांग बहुउद्देशीय विद्युत परियोजना, क्या नाम है दिवांग बहुउद्देशीय विद्युत परियोजना, इसको किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसको जो शुरू किया गया अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब इसकी डिटेल देख लीजिए कि यह परियोजना क्या है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 280 मेगावाट की दिवांग विद्युत बहुउद्देशीय परियोजना को मंजूरी दी गई है और भारत में बनने वाली सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। इतनी बड़ी जल विद्युत परियोजना भारत में अभी वर्तमान में स्थित नहीं है। ये परियोजना जो बनाई जाएगी आंध्र प्रदेश के लोअर दिवांग घाटी जिला, जिले के नाम है लोअर दिवांग घाटी जिला, इसमें दिवांग नदी पर बनाई जाएगी। दिवांग नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बात करते हैं परीक्षा दृष्टि में अरुणाचल प्रदेश राज्य की, तो 20 फरवरी 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी जो राजधानी जो है ईटानगर है और यहाँ के राज्यपाल प्रोफेसर बीडी मिश्रा हैं, जबकि मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं जो कि बीजेपी से आते हैं। तो ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि तीसरा प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो 15वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल है उसको अब बढ़ाकर एक महीना और बढ़ा दिया गया है, 30 नवंबर 2019 तक के लिए, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनकी अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक और इस बैठक में 15वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल था वो 30 नवंबर 2019 तक बढ़ाने को स्वीकृति दे दी गई है। आयोग के बारे में बता दें, आयोग का जो कार्य क्षेत्र है वो 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ होगा, यानी अप्रैल जो सिफारिश देगा उसको जो है 1 अप्रैल 2020 से लागू करके 2025 तक के लिए लागू किया जाएगा। तो 20 से 25 पाँच वर्षों के लिए, और पहले इसको जो है 31 अक्टूबर 2019 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। बात करते हैं वित्त आयोग की, तो राष्ट्रपति जो है संविधान का अनुच्छेद 280 उसकी धारा है एक, उसके अंतर्गत वित्त आयोग का अधिनियम 1951 का उपयोग करते हुए 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष वर्तमान में एन के सिंह साहब हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि चौथा प्रश्न है कि भारत दिवस सम्मेलन इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो भारत दिवस सम्मेलन का जो आयोजन किया गया वो लंदन में किया गया, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब डिटेल देख लीजिए क्या है इसकी। तो एक दिन का भारत दिवस सम्मेलन इसका आयोजन लंदन में किया गया और भारत दिवस वित्तीय सेवा उद्योग की 300 से अधिक जो हस्तियां थी, जो लोग थे, सेलिब्रिटीज थी, उनके द्वारा इस सम्मेलन में भाग लिया गया और इसकी जो मेजबानी की वो ब्रिटेन की सरकार और लंदन शहर के द्वारा की गई थी। सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि लंदन शहर के जो संस्थागत निवेशक हैं उनको भारत में निवेश यानी कि इन्वेस्ट करने के लिए अवगत कराया जाए, उनको बताया जाए कि भारत में इन्वेस्ट करना काफ़ी उनके लिए अच्छा होगा। परीक्षा दृष्टि में बात करते हैं यूके की, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की। यूनाइटेड किंगडम की जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में थेरेसा मे हैं और भारत जो है, ब्रिटेन जो है भारत में पाँचवा सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है, यानी ब्रिटेन के लोग भारत में पाँचवें सबसे बड़े विदेशी निवेशक हैं। और जबकि भारत की बात करें तो भारत ब्रिटेन में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है, यानी ब्रिटेन में जितना पैसा आता है उसका सबसे ज़्यादा पैसा तीसरे नंबर पर भारत का आता है, जबकि भारत में जो पैसा आता है उसमें पाँचवें नंबर पर ब्रिटेन से आता है। बात करते हैं पांचवें प्रश्न की कि हिंद महासागर में चीन के द्वारा रणनीतिक सहयोग जो है उसका, उसको बढ़ावा देने के लिए किस देश को P-65 नामक युद्धपोत उपहार में दिया गया है और ये उपहार में दिया है श्रीलंका को, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो हिंद महासागर के अंदर चाइना ने क्या किया है, श्रीलंका को एक युद्धपोत दिया है जिसका नाम है P-65 और क्यों दिया है, ताकि हिंद महासागर के अंदर उसकी स्थिति मजबूत हो सके, राइट। P-65 युद्धपोत का उपयोग मुख्यतः किया जाता है तटीय यानी जो बीचेस वगैरह होते हैं उस पर गश्त के लिए, पर्यावरण निगरानी और एंटी पायरेसी कॉम्बैट के लिए इसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं परीक्षा दृष्टि में श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धना प्रयकोट्टे है, जबकि यहाँ के प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंघे हैं। राष्ट्रपति की बात करें तो मैत्रीपाला सिरिसेना यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं और श्रीलंकन रुपया जो होते हैं यहाँ की मुद्रा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि छठवां प्रश्न है कि वे है दिन खलम ये महोत्सव है, इसका महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका जो आयोजन किया जाता है वो मेघालय में किया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब इसकी डिटेल देख लीजिए और ये महोत्सव क्या है। तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग और उसके पास में जोवाई करके जगह है, वहाँ पर वेदिन खलम महोत्सव का जो आयोजन किया गया, राइट। वार्षिक तौर पर यानी कि हर साल इसका आयोजन होता है और मेघालय की एक जनजाति है जयंतिया जनजाति, उसके द्वारा ये आयोजित किया जाता है, उसका सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। और इसका शाब्दिक अर्थ जो बेहदीन खलम है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है लकड़ी की छड़ियों से शैतान को भगाना, शैतान मतलब प्लेग जो कालरा होता है, राइट।
और ये जो इसका जो आयोजन किया जाता है ये मानसून के अवसर पर किया जाता है, मानसून का सबसे बड़ा महोत्सव ये माना जाता है। बात करेंगे मेघालय की, तो 21 जनवरी 1972 को मेघालय का गठन हुआ था, जिसकी राजधानी शिलोंग में है। यहाँ के राज्यपाल तथागत रॉय हैं और मुख्यमंत्री के कॉनराड संगमा हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय एजेंसी को भारतीय हितों की रक्षा के लिए विदेश में भी जांच करने का अधिकार दिया गया है, और ये एजेंसी है भारत की NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है, तो सदन के दोनों सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों के द्वारा क्या किया गया है, जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण बिल है, राइट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बिल, इसका संशोधन यानी इसमें अमेंडमेंट करने के लिए 2019 का ये विधेयक इसको पारित कर दिया है, और ये विधेयक जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2018 में संशोधन करता है इस विधेयक के द्वारा, राइट। ये संशोधन क्या करेगा, ये संशोधन इसको अधिकार देगा कि जो NIA है वो देश के अंदर तो जांच कर ही सकती थी, बल्कि विदेश में भी अगर कोई भारतीय हितों को चोट पहुंचा रहा है तो उसकी जांच कर सकती है। अब बात करते हैं NIA की, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 2009 में हुई थी, जब मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद आतंकवादी हमले की जांच वगैरह के लिए इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके प्रमुख योगेश चंद्र मोदी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आठवां प्रश्न है कि फसलों के लिए वायु कैप्सूल का विकास किस संस्थान के द्वारा किया गया है। तो फसलों के लिए एक प्रकार के वायु कैप्सूल का विकास किया गया है, और ये विकास किया गया भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म होगा, इंडियन मसाला रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म होगा। इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है, तो केरल के कोकीझोड़ में कोझिकोड, ये एक जिला है वहाँ का, वहाँ पर भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान स्थित है यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च है, जो कि कोझिकोड़ के अंदर केरला में है। उसके द्वारा किसानों के लिए एक वायु कैप्सूल विकसित किया गया है, और इससे ऐसे बग मतलब जो होते हैं जीव वगैरह होते हैं जो उपस्थित होते हैं, कीड़े मकोड़े टाइप के, जो भविष्य में किसानों के खेत में वायु फर्टिलाइजर यानी कि जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किए जा सकेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि नवा प्रश्न है कि केंद्र सरकार के द्वारा कब से सभी राज्यों में रोटा वायरस टीकाकरण अभियान चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। तो रोटा वायरस टीकाकरण अभियान इसको चालू करने का लक्ष्य रखा गया कि सितंबर 2019 से, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब इसकी डिटेल देख लीजिए कि है क्या, तो केंद्र सरकार के द्वारा सितंबर 2019 से देश के सभी राज्यों के अंदर रोटा वायरस टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा, और इस में जो है रोटा वायरस के उन्मूलन के लिए इस टीकाकरण अभियान का क्रियान्वयन जो किया जाएगा, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, राइट, उसके तहत इसका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो भारत का चलता है उसके तहत इसका आयोजन किया जाएगा। वर्तमान के अंदर बात करें तो ये टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, असम में, त्रिपुरा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और तमिलनाडु में। अब बात करते हैं आखिर ये वायरस क्या है, तो रोटा वायरस एक संक्रामक रोग है, ये बच्चों में आसानी से फैलता है और इससे एक्चुअल में डायरिया नामक एक रोग होता है। कौन सा रोग होता है, डायरिया, राइट, और रोटा वायरस के कारण होता है, इसमें शरीर में जल की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, बच्चों को दस्त वगैरह लग जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि दसवां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका जो आयोजन किया जाएगा वो भारत में किया जाएगा, यानी कि भारत को इसकी मेजबानी मिल गई है, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी कि ISSF इसका जो विश्व कप होगा 2020 में इसकी मेजबानी करेगा भारत, भारत के आवेदन को इसमें मंजूरी दी गई है। विश्व कप का आयोजन 15 मार्च से लेकर 26 मार्च 2020 के बीच में नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा, और ISSF विश्व कप का आखिरी संस्करण जो हुआ था जर्मनी के म्यूनिख शहर में आयोजित किया गया था। परीक्षा दृष्टि में बात करते हैं इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की, तो 1907 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय म्यूनिख जर्मनी में स्थित है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर, मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो की PDF आप हमारी एप्लीकेशन जहाँ जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसकी PDF भी आप डाउनलोड कर पाएंगे, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर फ्री में उपलब्ध हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आज की बात करेंगे हम यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।